फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता। तो आप सबका फिर से मस्ती की पाठशाला में स्वागत है। सर्दी अभी चल रही है क्योंकि कैप अभी सर पे है। तो अभी हमने बहुत सारे जो भी वीडियो आपके साथ शेयर किए, जो टिप्स शेयर किए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत उनको पसंद किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आज जो मैं एक है पैक बनाना सिखा रही हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बार बताया था कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्राई स्किन वाले यूज करेंगे। सिर्फ जिन चीजों के साथ हम मिक्स कर रहे हैं उनका रेशो हम इधर से उधर करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है, आप थोड़ा हनी ज्यादा डाल सकते हो, आप उसके अंदर एलोवेरा जेल ज्यादा डाल सकते हो, आप उसके अंदर रोज वाटर ज्यादा डाल सकते हो। उसमें जैसे आज वाले में जो मेरा टिप देने का है उसमें मैं कर्ड भी डालूंगी, आप थोड़ा कर्ड कम कर लेना। जो ऑयली वाले हैं जिनको बहुत एक्ने का प्रॉब्लम है और बहुत ही तेल निकलता है और सर्दियों में पिंपल होने का भी डर हो जाएगा, हमारी स्किन बहुत डल रहने लगी है, बहुत ही डार्क होती जा रही है, उन सब के लिए ये बहुत बहुत अच्छा पैक है। आप लोग अगर ड्राई स्किन है तो जैसा कि मैंने बताया, आप एलोवेरा जेल, हनी और रोज वाटर थोड़ा ज्यादा ऐड कर दीजिएगा, कर्ड को थोड़ा कम कर दीजिएगा। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो आप ये सब चीजें तो यूज कर ही रहे हैं, आप दही थोड़ा ज्यादा डालिएगा, ज्यादा है तो एक लेमन के 4-5 ड्रॉप डाल दीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इतना जब हमारी जो स्किन टाइप रहती है, और अगर आपकी नॉर्मल है, जैसे मेरी स्किन नॉर्मल है, ना ऑयली है ना ड्राई है, तो मैं कुछ भी लगा लेती हूँ। जितनी चीजें आप लोगों को सिखाती हूँ जो भी बचता है वो फेंक ही सकती, मैं सब लगा लेती हूँ। तो अगर आप लोग, हम लोगों को इतना तो एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि हमारी स्किन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना ड्रॉप ये कितना ड्रॉप वो, थोड़ा सा कम ज्यादा करोगे, टेंशन लेना नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये है मेरा चने का आटा, ठीक है, जिसको अगर आप बारीक पीसते हो, आप बेसन भी बोलते हो, तो चने का आटा है, चने की दाल जो होती है उसको पीस के बनाया गया है, नहीं तो आप बेसन ले सकते हो, ठीक है। तो ग्राम फ्लावर या आप बेसन, ठीक, चने का आटा या वो। उसके बाद हमेशा का मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल, जो कि मैंने घर में निकाला है। कैसे निकाला है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप आराम से देख सकते हो। अगर आपके यहाँ एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आप बाजार से लेके एलोवेरा जेल की बहुत सारी ब्रांड्स की ट्यूब्स आती है, जो भी आपको अच्छी लगती है आप यूज कर सकते हो। ये है हनी, आपको जो भी ब्रांड, क्योंकि मैं यहां किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकती, आपको जो ब्रांड सूट करता है, जिसका भी आपको लगता है ये प्योर है, आप ले सकते हो। तो ये है हनी, सर्दियों में हमारी स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है। आपके पास घर में कुछ भी नहीं है तो हनी, एलोवेरा जेल और रोज वाटर तीनों को मिला के एक बॉटल में भर लीजिए, उससे अपने स्किन पे हल्का सा बस टोनर की तरह यूज कीजिए, स्किन बहुत प्यारी रहेगी। उसके बाद कर्ड, कर्ड जो आपको लेना है आप कोशिश करो उसमें बहुत पानी ना हो, जैसे मेरा ये बहुत थिक वाला है, अगर आपके में है तो आप उसको किसी भी मलमल के कपड़े में निकाल के निचोड़ सकते हो, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, नहीं तो वो बाद में पानी छोड़ता रहेगा। और नेक्स्ट है हमारी ये हल्दी। आपके पास अगर, जैसे फेस के लिए जब मैं यूज करती हूँ तो एक कस्तूरी हल्दी करके आती है, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी कस्तूरी हल्दी। इसका फर्क क्या होता है, अगर आप नॉर्मल हल्दी को यूज करते हो फेस पैक वगैरह में या किसी भी चीज में, तो बहुत पीलापन छोड़ देती है ना, तो फेस बहुत पीला पीला लगने लगता है, सब लोग टोकना शुरू कर देंगे कि जॉन्डिस तो नहीं हो गया, तो वो मत कीजिएगा। कस्तूरी हल्दी का एक फायदा ये होता है कि उतना पीला रंग नहीं छोड़ता, फायदे सारे देता है। तो ये है मेरी कस्तूरी हल्दी। हमेशा की तरह फेवरेट रोज वाटर, ये मैंने एक फ्रेश रोज को लिया था, उसकी पेटल्स तोड़ के एक फ्रेश वाटर में डुबोकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बहुत टाइम के लिए नहीं, एक हफ्ता चला लेती हूँ। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, रोज वाटर आपको जो भी ब्रांड अच्छी लगती है उसका आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे यूज करने हैं। ये हम बहुत प्यारा एक पैक बनाएंगे, पैक को भी बाद में जब हमें रब करके स्क्रब की तरह हम निकालेंगे तो जितनी डेड स्किन है निकल जाएगी, जितने भी हम बोलते हैं डार्क सर्कल हो गए हैं, स्किन बहुत डल हो गई है, ये सारी चीजें हमारी बहुत बहुत अच्छी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे टिप्स अच्छे लगते हैं, आज का वीडियो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो हमारा है एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से चैनल। ये मेरा YouTube, Facebook पेज और Insta,
तीनों एक ही नाम से हैं, AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। फोन नंबर है 9582858532, 9811599076। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, ताकि जब भी आए तो आप तक हमारे ये यूजफुल टिप्स जरूर पहुंचे। आपको हमारे काम में कुछ भी ऐसी चीज लगती है कि आप चाहते हो हम इसके बारे में भी बताएं, कमेंट्स जरूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स, आप तारीफें इतनी करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। आपका हेयर फॉल रुका, आपकी स्किन में फर्क पड़ा, वो सब पढ़ के हमारे को और खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है, जल्दी से दोबारा आए, कुछ और अच्छा मजे की बात आपको बताएं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो ये घर की चीजें हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताया, कई बार क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम कोई चीज यूज कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता होता कि आपको किस चीज से एलर्जी है। कभी भी कोई चीज यूज कर रहे हो तो उसका छोटा सा स्किन का जो है एक स्किन टेस्ट कर लिया करो। उसको करने का तरीका यही रहता है, जो भी चीज आप बना रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ एल्बो के अंदर या कान के पीछे थोड़ी देर के लिए लगा लो। अगर मेरे वाला या कोई भी पैक या ऑयल भी पहली बार यूज कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए लगा के देखो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ले रही हूं चने की दाल का आटा, थोड़ा सा, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बना रही हूं ताकि वो वेस्ट नहीं होगा। आप लोग भी इसको देखो, ये चीजें जो हैं आपको सिर्फ मिक्स करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ग्राइंड करना बनाना है। जैसे कि मैंने बताया, एलोवेरा जेल जो है मैं निकाल के रखती हूँ फ्रिज में, वो मेरा 15-20 दिन का बना रहता है। बाकी इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको पहले उसको फेंटना है, बनाना है, जो आपको आलस है तो आप बना सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा आपके पास टाइम की कमी है तो आप 2 या 3 दिन के लिए बना के रख लो, वैसे ये फ्रेश बनाते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये मैंने लिया 1 चम्मच चने का आटा, इसमें सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 स्पून शहद, 1/2 स्पून कर्ड। जब आप ये चीजें यूज कर रहे हो तो आप लोगों का यही आया कि हमने ये सब जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ये चीजें इतनी इफेक्टिव हैं। बिलीव मी, जब आप ये लगाते हो, यूज करते हो, सिर्फ पानी से अपना फेस वॉश करते हो, उसके बाद मैंने आपको इतना अच्छा टोनर बनाना सिखाया, इतने अच्छे आपको स्क्रब बताया, आप वो चीजें करो, डेड स्किन भी निकल जाएगी, एक्ने की प्रॉब्लम चली जाएगी। बालों का तो आप लोगों ने खैर बहुत तारीफें की हैं, तो थैंक यू सो मच। हेयर फॉल रुक गया, बालों का कलर अच्छा आ गया, डैंड्रफ चला गया, तो थैंक यू सो मच। चलिए, आप जो हल्दी लेनी है वो 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नहीं लेना, एक पिंच की तरह बस जरा सा छिड़कना है हल्दी। ये अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेना। दही हमारे स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है, ये हम सब जानते हैं। चने का आटा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये भी हम जानते हैं। अगर छोटा सा बच्चा भी होता है ना और उसका उपटन करना होता है तो हम बेसन, हल्दी और यही सब चीजें मिक्स करते हैं। ये सब जब हो गया तब मैं 2-4 ड्रॉप ले रही हूं रोज वाटर। अब क्योंकि मुझे इसे एज अ पैक यूज करना है तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप देख लो, ना बहुत ड्राई होना चाहिए ना बहुत लिक्विडी होना चाहिए। ये देखिए, राइट। जब ये मेरा बन गया, अब आपको, क्योंकि मैं यहां बाथरूम में नहीं हूं, अब आपको क्या करना है, अपनी स्किन पे बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा थिक लेयर देना है। ये देखिए, जैसे ये लेंगे, अगर ये आपका फेस है, इस तरह से डैप करते हुए डालना है, क्योंकि आप इस तरह करोगे तो हट जाएगा, क्योंकि मुझे एज अ पैक लेना है तो ये इस तरह से डैप करते हुए जाएंगे। पूरा फेस आप इसके साथ कवर कर लोगे अच्छे से, जब ये आपका जैसे जैसे, और उसके बाद चाहे आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप अपना घर का काम कर रहे हो, आपने इसको लगा लिया 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप अपना लगा रहे हो, ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप सारा ड्राई हो जाएगा। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आपके स्किन इसमें से सोक कर लेगी। थोड़ी देर के बाद आपको अपना टाइट लगेगा फेस, ठीक है। हम इतने सारे टाइटनिंग क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, कोई जरूरत नहीं है। घर की चीजें इतनी अच्छी हैं, आप लोगों ने, अगर हम कभी भी हेल्दी चीजों की बात करते हैं, हनी बेस्ट है स्किन के लिए, टर्मरिक बहुत अच्छी है। हम लोग अगर शादी भी होती है, आजकल हम लोग जाते हैं पार्लर में, पूरे
एक अपना पूरा पैकेज लेने लगे। लेकिन अगर पहले के टाइम में देखो तो हल्दी के उपटन किए जाते थे, राइट, उसमें बेसन दही यही सब होता था। बिलीव मी, इन चीजों की कोई टक्कर नहीं है। एलोवेरा जेल आप जानते हो आपका स्किन के लिए, एक्ने की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है, सबके लिए रामबाण। तो हमारा एलोवेरा जेल, हल्दी, बेसन, दही, हनी, सभी कुछ बहुत अच्छा है। कोई डाउट मन में आने की चीज ही नहीं है। ये हो गया मेरा अभी मेरे पास, क्योंकि आपको मुझे इसका रिजल्ट दिखाना है। मान लीजिए कि जब ये मेरा सूख गया, जैसे जैसे ये सूखता जाएगा उसके बाद क्या करना है, अगर तो आपने 15 मिनट के बाद ही करा तो ये सेमी ड्राई होगा, राइट। जैसे ये अभी है, थोड़ा और सूख जाएगा, ये तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, 15 मिनट के बाद ये थोड़ा सेमी ड्राई हो जाएगा। अगर आपको उतना ही रखना है तो उसके बाद भी क्या करेंगे, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ऐसा नहीं कि लेके कैसे भी रगड़ दिया जोर से, अपनी स्किन के साथ कबड्डी नहीं लड़नी, बहुत प्यार से हल्के सॉफ्ट हाथ से स्ट्रोक दिया कीजिए। दूसरा मैंने आपको समझाया था, अगर आपके बहुत ही ब्लैकहेड्स हैं तो जब ये पैक है इसको हल्के हाथ से इस तरह से लीजिए, नोज के ऊपर इस तरह से लीजिए, सारे ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाएंगे। इतना अच्छा आपने टोनर मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप वो हल्का सा उसके बाद डालो। इतनी अच्छी क्रीम बनानी सिखाई है मैंने आपको, एक बादाम क्रीम भी बताई थी, और अगर आपने नहीं देखी मैं दोबारा उसको, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि वो आप एक बार फिर से बताइएगा, मैं जरूर दोबारा बताऊंगी। ये इतनी अच्छी चीजें हैं और घर की चीजें हैं, तो पॉकेट फ्रेंडली, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको कुछ भी बाजार से नहीं लाना। दही मेरे घर में, शहद ऑब्वियसली घर में मिल जाता है, सर्दियों में वैसे ही सब लोग रखते हैं, हल्दी, एलोवेरा जेल, रोज वाटर, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जब भी आप इसको रब कर रहे हो, अगर आपने 10 से 15 मिनट में साफ किया तो वो इतना हल्का होता है कि आप जैसे ही स्ट्रोक लोगे वो सारी गंदगी अपने आप निकाल देगा। अगर आपका ज्यादा ड्राई हो गया, पूरा ड्राई हो चुका है, स्किन एकदम टाइट हो गई, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को पानी से धोना, गीला हाथ जो होगा, जब हाथ गीला हो गया उसको अच्छे से डब करना फेस के ऊपर गीले हाथ को, तो वो फिर से गीला होके इस तरह हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तब हम अपने उसके स्ट्रोक लेंगे, रब करना है नोज पे इस तरह लेंगे या इस तरह लेंगे। उसके बाद अगर स्किन पे से लेना है तो दोनों हाथ को इस तरह ले जाइए, इस तरह लेके जाइए, निकाल दीजिए, तो इस तरह लेके जाऊंगी, ऐसे हटा दूंगी। माथे पे लेना है ऐसे सर्कल, उसमें तो सारी डेड स्किन निकल जाएगी, जितना भी हम कहते हैं ना ब्लैक हो गए, सर्कल्स आ गए, ये हो गया, सारी चीजों के, इतनी अच्छी चीजें आप यूज करो और फिर उसके फायदे देखो। तो हमने पैक भी हो गया मेरा, और स्क्रब की तरह, क्योंकि बेसन में हल्के से वो हैं, ये देखिए थोड़ी देर आपको दिखाई देगा, उसके बाद जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, आप समझो कि आप अपने फेस पे ही कर रहे हो। ये तो अभी बिल्कुल फ्रेश है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब वो आपका ड्राई हो चुका होता है तब बिल्कुल चला जाता है। ये देखिए सबसे अच्छी बात है, जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्मल जो हल्दी है उससे अगर आप ये करते तो यहाँ पे पीला पीला हो जाता, सब येलो कलर आ जाता है, बट कस्तूरी हल्दी जो होती है उसमें बस ये है, हल्दी के फायदे सारे आएंगे लेकिन पीला कलर नहीं छोड़ता। ये देखिए तो ये रहा, और इसके बाद आप बस एक फ्रेश वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिए, टोनर को यूज कर लीजिए, तो पैक भी बहुत अच्छा हो गया, और आपका ये वॉश करते ही बहुत प्यारी स्किन आपको दिखाई देगी। मेरे पास अभी वो नहीं है, मैं आपको थोड़े से पानी के साथ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये देखिए, ऐसा नहीं है इसमें हल्दी थी नहीं, ये देखो है ना, लेकिन बस। तो ये आपकी स्किन बिल्कुल रेडी, उसके बाद अच्छे से अपना फेस पोंछ लीजिए, एकदम साफ स्किन। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना या शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।